एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है हज़ार इवोल्यूशन टेक्निक्स। ठीक है, अब हज़ार इवोल्यूशन टेक्निक्स क्या होती हैं, उसकी मॉनिटरिंग कैसे की जाती है, उसका सेफ्टी परफॉर्मेंस क्या रहता है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो जो हज़ॉप होता है, सबसे पहले तो हज़ार्ड ऑपरेबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमें देखना होता है कि क्या हमारे पास रिस्क अंडरस्टैंडिंग कितनी, हमारे पास रिस्क कितना है, उसे हम कैसे हटा सकते हैं, ठीक है, और हम कैसे सेफ्टी मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसके अंदर सारी चीज़ें क्या इंक्लूड होती हैं, रिस्क इसकी टेक्निक्स रहेंगी, चेकलिस्ट रहेगी, ठीक है, सेफ्टी ऑडिट्स रहेंगे, रिव्यूज़ रहेंगे, हज़ार्ड एनालिसिस, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं, हज़ार्ड एनालिसिस, सेफ्टी एनालिसिस, चेकलिस्ट, ये सारा प्रोसीजर जो है वो हज़ार्ड इवोल्यूशन टेक्निक्स के अंदर आता है, ठीक है। क्योंकि हज़ार्ड जो है वो एक एक्सीडेंट से रिलेटेड है, एक्सीडेंट से रिलेटेड है, तो वो पर्सन हार्म हो सकते हैं, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो सकता है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हम फेस कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पहले हज़ॉप स्टडी करनी होगी, हज़ॉप स्टडी, हज़ार्ड ऑपरेबिलिटी स्टडी हमें करनी होगी, ठीक है, हज़ार्ड ऑपरेबिलिटी टेस्ट या स्टडी आप बोल सकते हैं उसको, ठीक है। उसमें हमें ये देखना होगा कि इम्पैक्ट पॉसिबिलिटी क्या है, रिस्क हमें पहले देखना होगा, जो भी हम वर्क कर रहे हैं तो उसमें रिस्क कितना है, अगर रिस्क इतना है तो हम किस तरीके से सेफ्टी रखें जिससे हम बच सकें, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, फाउंडेशन, एक रिस्क असेसमेंट क्रिएट करना है, हमें एनालाइज करना है, हमें नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद ही तो हम रिव्यू कर पाएंगे ना कि हम किस तरीके से इस तरीके के एक्सीडेंट को हम एलिमिनेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, जो टेक्निक्स हैं, वो इसी चीज़ पे हैं कि हमें पहले ऑब्जर्व करना होगा, पहले हमें देखना होगा, पूरा प्रोसीजर चेक करना होगा कि किस तरीके से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं और हम उन पर किस तरीके से वर्क कर सकते हैं आगे, ठीक है। इसी तरीके से ये हायरार्की है हज़ार्ड कंट्रोल की, जो जिनमें क्या आता है, पीपीज, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, वर्कर्स को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहने के लिए पीपीज वेयर करनी होंगी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। देन उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, जो वहाँ की अथॉरिटी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी एडमिन है, वो लोग क्या कंट्रोल कर रहे हैं, ये देखना, क्या चेंज कर रहे हैं वे को, तो इसका मतलब चेंज द वे पीपल वर्क, मतलब जिस तरीके से पीपल काम कर रहे हैं, वहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं, उसका काम करने का तरीका ही बदल देना, ठीक है, उसे बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। फिर इंजीनियर कंट्रोल पे आया, इंजीनियरिंग कंट्रोल क्या करेगा, उस काम को कुछ समय के लिए रोक के उसका सोल्यूशन निकाल के वो काम रीस्टार्ट करवाएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे, हम हैज़ार्ड जो है उसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे उसे, किस तरीके का हैज़ार्ड है, क्यों हो रहा है, उसको एलिमिनेट करना। और एलिमिनेशन में क्या करेंगे, हम उस पूरी चीज़ को रिमूव कर देंगे, ठीक है, नीचे के प्रोसीजर क्या चल रहे थे, हम उसी के साथ वर्क कर रहे हैं, पर एलिमिनेशन में हमने पूरा ही प्रोसीजर चेंज कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हायरार्की बनाई गई है ये जो हैज़ार्ड कंट्रोल है उसके लिए। और हैज़ार्ड इवोल्यूशन टेक्निक्स में ये भी आता है, जैसे कि सेफ्टी रिव्यू, चेकलिस्ट एनालिसिस, रिलेटिव रैंकिंग, ठीक है, हमें चेकलिस्ट बनानी है, चेकलिस्ट एनालाइज करनी है, क्या चेकलिस्ट में क्या क्या प्रॉब्लम थी, आज की चेकलिस्ट और कल की चेकलिस्ट में क्या क्या बदलाव है, क्या जो हमने कल प्रॉब्लम्स निकाली थी वो आज की चेकलिस्ट में पूरा मेंटेन हो गई हैं, वो सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं, ये देखना, ठीक है। सेफ्टी रिव्यूज़ क्या आ रहे हैं लोगों के, क्या वर्कर लोग जो सेफ रह पा रहे हैं, उसका जो भी हमने SOP बनाई थी उसके तरीके से अगर काम कर रहे हैं, टेक्निक्स जो हमने क्रिएट की थी उसके तरीके से काम करने से क्या वर्कर सेफ रह पा रहे हैं, ठीक है। चेकलिस्ट जो है उसे हमने एनालाइज किया, हैज़ॉप ऑपरेबिलिटी एनालिसिस किए, ठीक है, फेलियर मोड्स और इफेक्ट एनालाइज किया। फेलियर मोड्स और इफेक्ट एनालिसिस क्या होता है, जैसे हम किसी काम को करने के लिए कुछ नया तरीका हमने आजमाया, अब हम ये चेक करेंगे उसमें क्या ये सक्सेस है, नहीं है तो क्या मोड्स आ रहे हैं उसमें, क्यों ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं तो हम कैसे इसे एलिमिनेट करें, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये सारा आता है हज़ार्ड इवोल्यूशन टेक्निक्स के अंदर, ठीक है। अब देखिए ये सारी चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब हमें ये जानना है कि कैसे हम इस पर वर्क करेंगे तो हमें ये सारा प्रोसीजर आना चाहिए। तो इसका एक चेन क्रिएट है, जैसे कि हज़ॉप स्टडी करना, हायरार्की के बारे में जानना, तो हम ये सारी चीज़ें कर पाएंगे, है ना।
तो आज ही मैंने आपको हज़ार एवोल्यूशन टेक्निक्स के बारे में बताया। इंडस्ट्रियल सेफ्टी में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि वहाँ पे इस तरीके के हज़ार्स फेस करने होते हैं और इस तरीके से हमें उन्हें एलिमिनेट करने होते हैं, तो इसकी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। ओके, तो मैंने इसके हज़ार एवोल्यूशन टेक्निक्स के बारे में आज आपको बताया। सो थैंक यू।